सारे हम जो इन्वॉल्व हैं हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। उसके लिए एक ये हैबिट हमारी बन रही है, कई जगह अभी भी ये हैबिट नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो द थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उसको हमें डिफीट करना है। उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम मास्किंग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें, और जो गवर्नमेंट ने हमारे पास सीलिंग फिक्स की है, सबसे इम्पोर्टेंट सीलिंग फिक्स की है 25 की तादाद से ज़्यादा, जहाँ भी इम्पोर्टेंट अगर कहीं ज़रूरत है, वैसे तो अवॉइड करनी है, अगर जहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है कोई गैदरिंग की या किसी बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है, वो 25 से एक भी लोग ज़्यादा ना हो। उसके लिए लोगों को भी इंश्योर करना है ये चीज़ें हो, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारी एनफोर्समेंट रहेगी। बाकी दुकानों पे, पब्लिक प्लेसेस पे कोशिश की जाए जनरल पब्लिक की कम गैदर हो, अगर जाएं भी ज़रूरी सामान के लिए जाना है उनको तो जाके वापस आ जाएं, इकट्ठे मत होइए, अननेसेसरी रूम अराउंड मत करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है जब गैदरिंग इकट्ठी होती है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी सभी जनरल पब्लिक से सभी अपील है कि हम लोग इस चीज़ का पालन करें, ऐसी नौबत ना आए कि हमें स्ट्रिक्ट कदम तैयार करने पड़े, क्योंकि एनफोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारा नॉर्मल बिहेवियर से नहीं हो रहा तो हमें एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगी आने वाले दिनों में, जहाँ जहाँ मास्किंग नहीं होगी स्ट्रिक्टली फाइन होगा, जहाँ जहाँ कोई हमारी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट है भी को इस चीज़ को ध्यान दें, यहाँ पब्लिक आती है उसके लिए सोशल डिस्टेंस रखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ से हेजिटेशन नहीं होगी। अगर कोई बार बार रिकरेंटली इस चीज़ को डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी दुकान या कोई इस्टेब्लिशमेंट ऐसे सीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोविड को कंटेन करना। उसके लिए जिस तरह के मेजर्स हों, हमने IC एक्टिविटीज़ काफ़ी की हैं, वो मीडिया के थ्रू भी रेगुलरली अपील होती हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, वो भी अपनी अपनी जगह से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें ना हों। उसके बावजूद भी अगर किसी इस तरह की कोई आती है, कोई डिफॉल्ट होता है या कोई इस तरह के बिहेवियर का अप्रोप्रिएटली नहीं पालन हो रहा है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट है, और उसकी चाहे हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों वो विग्रेस की हो, क्योंकि हमें इस एरिया को जब अभी तक हमारा सुलझा हुआ है, हमने 2 साल में जो दोनों वेव्स आई हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया है, तो आज हमारी पोजीशन जो है, हमारी पॉजिटिविटी हमारी 4% से 0.4% से नीचे है, इसमें 0.35% है, तो हमारे एक्टिव केसेस इस समय सिर्फ 100 के अराउंड ही हैं, उनमें से 98 सिम्टोमेटिक है, सिर्फ 10 ही हॉस्पिटलाइज केसेज हैं। वैक्सीनेशन की अच्छी हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है, समय 45 से जो ऊपर की तादाद थी वो नियरली 100% हो गई है। उसके अलावा अगर बाकी कोई बचा भी हुआ है उससे मेरी अपील है कि वो अपनी वैक्सीन करवाएं। 18+ को हमने मिशन मोड में लिया है, अभी तक हमारा 74% 18+ का कवर हो चुका है, तो आने वाले दिनों में कोशिश है जल्दी से जल्दी वो 100% हो जाए। इसके अलावा जिनकी सेकेंड वैक्सीनेशन इस समय ड्यू हो चुकी है वो भी अपने कंसर्न से कंटेक्ट करें और अपनी सेकेंड वैक्सीनेशन भी लगा लें, ताकि 100% हमारी जो दोनों वैक्सीनेशन वो पूरी हो चुके हैं। हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हों, लेकिन हमने उसके लिए जो ऑक्सीजन के पूरे अरेंजमेंट्स होने थे इस दौरान हमने पूरे अरेंजमेंट पुख्ता कर लिए हैं। GMC का जो हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है, हमने स्टार्ट किया था 750 LPM से, आज हमारे पास 3,500 LPM की कैपेसिटी के 4 प्लांट लग चुके हैं, 5वां प्लांट 1,000 की कैपेसिटी का और का काम शुरू हुआ है। हमारे ऑलरेडी जो हैं ये सब पूरे 300 बेडेड को कैटर करेंगे, और उससे भी ज़्यादा अगर बेड यहाँ लगते हैं उसको भी कैटर करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। डोडा में हमारे पास जो कंटेनमेंट जोन है, पिछले सारे कंटेनमेंट जोन खत्म हो चुके थे, उनको हमने डी नोटिफाई किया था। अभी 2 एरिया से हमारा, एक GMC से जो हॉस्टल था वहाँ दरबार में, और एक किसी और एरिया से हमारे पास केसेज आए थे, उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि उनके लिए अच्छे तरीके से एनफोर्स किया जाए, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एरिया को कंटेन करना। हमारे कंटेक्ट ट्रेसिंग अच्छी है, 16 का हमारा एवरेज है जो कंटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं। हमारी टेस्टिंग हमने बड़े इंक्रीज की है इस समय, जो हमारी कोई 2 वीक या 3 वीक पहले जो स्टेटस था उससे हमें डबल हमारी टेस्टिंग हो रही है, RT-PCR और RAT का। इन सभी फ्रंट्स पे कोशिश की जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि पब्लिक जो है जो इस बिहेवियर को फॉलो करे, पार्क्स में जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स पे जो ऐसे इकट्ठे होने वाले प्लेसेस हैं उन पर ये ज़्यादा ना जाएँ, उसको कड़ी तरीके से पालन करें, और एनफोर्समेंट में हमारे पास पुलिस के
कलीग्स हैं यहाँ पे सारे, हम जॉइंटली टीम्स बनी हुई हैं, जॉइंटली एफर्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये रिलीज होगा। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपकी तरफ से, मतलब नाइट कर्फ्यू वगैरह? रिस्ट्रिक्शन अभी पूरी यूटी में चल रहे हैं, जो बाकी ज़िलों में है उसी तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू है और नाइट कर्फ्यू का स्ट्रिक्टली पालन किया जाएगा। मैं फिर अपील करूँगा कि जो टाइम दिया गया है 8 बजे का और सुबह ओपन होने का, उसके बाद वो खुद से ही बंद कर दें, एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी टीमें जहाँ पर आएँगी रात को भी करेंगी, आपका मॉनिटर करेंगे, मॉर्निंग में भी करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम अपना जो सिस्टम एक समय खुल गया है, समय इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, हमारी ऐसी सिचुएशन ना हमें वापस रिवर्ट होना पड़े लॉकडाउन के ऊपर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से जो सोशल नॉर्म्स हैं उस चीज़ को फॉलो करें। सर, जो हमारे पास एक्टिव केसेस हैं, क्या उनमें कोई डेल्टा वेरियंट का भी है यहाँ पे केस के वो पुरान ही? अभी जो डेल्टा वेरियंट तो है यहाँ पे, डेल्टा वेरियंट है हमारी यूटी में, डेल्टा वेरियंट ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कोई और प्रिकॉशन है कि क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का या डेल्टा प्लस का कहते हैं कि वो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड होता है? बिल्कुल, इसी के लिए तो बार बार एम्फेसाइज यही किया जा रहा है कि हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्किंग है, बड़े लोगों के बीच में कॉम्प्लेसेंसी ये आ गई है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं वायरसेस के जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसको हम बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। उसी की वजह से है कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो म्यूटेट हो चुके हैं, इनमें ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो लोगों के वही तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी सोशल गैदरिंग में स्टेन करें और मास्क पहनें, और कम से कम कोशिश हो कि आप गैदरिंग में ना इकट्ठा हो। सर, ये जो MBBS के बच्चे जो पॉजिटिव आए थे, एक तो पहले ही GMC अभी यहाँ पे लेट शुरू हुआ था जब पहला बैच था, तो क्या उनने कोई ऐसे बिहेवियर्स नहीं अपनाए थे कि वहाँ पे जो बाहर से पहले स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको टेस्टिंग की जाए, उनको वैक्सीनेशन की जाए? उनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं किया, और उसकी वजह से क्या वही रीज़न रहा वैक्सीनेशन नहीं करना और उनकी टेस्टिंग भी आने पर, और फिर वो उनकी तो टेस्टिंग होती है, वो ऑलरेडी यहाँ पे थे और क्योंकि इन्फेक्शन थे, क्योंकि उनके कॉलेज खुल गए थे फिर से, जो कॉलेज जब खुलते हैं तो वही इंपॉर्टेंट रहता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस आते हैं, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल या नहीं ऐसी इशू में होता है, क्योंकि ये हमारे वॉरियर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं मेडिकल के खास पर ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको हॉस्पिटल भी जाना होता है, पेशेंट्स के साथ भी मिलना होता है। तो उस केस में जो हमारा एक लड़का जैसे पाया गया था हमारा यहाँ GMC में, तो इमीडिएटली हमारा कोशिश यही रहती है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसके साथ हो उसको 100% कवर करें। तो जो भी 72 हमारे बच्चे थे उन सबका इमीडिएटली टेस्टिंग हो गया था, उनमें से 16 के अलावा जो बाकी था उनको प्रिंसिपल साहब ने वापस भेज दिया था प्रिकॉशनरी तौर पर, और इन सभी को आइसोलेट कर दिया था। और मेरी नॉलेज में सारे ठीक हैं और सारे समय मैक्सिमम लोग जो है वहाँ डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो मेन यही रहता है कि इनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और आगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सर, मैरिजेस जो है लोगों के हो रही है, रिलेटिव्स के मैरिजेस वगैरह शादियां हो रही है, तो उनके लिए कोई परमिशन वगैरह? इसके लिए परमिशन उनको इन्फॉर्म करना है, लाजमी है अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार को इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी है, और 25 से ज़्यादा ना गैदरिंग करें, और 25 को भी ऐसे तरीके से करें ताकि सोशल डिस्टेंस सारे नॉर्म रहे। हमारे सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो है, अगर कहीं से भी ऐसी कोताही होती है या इन चीज़ों का पालन किए थे उसको सख्ती से पेश। सर, एक क्वेश्चन, सर पंचायत में आपने कोविड के लिए 6 बैंडेड के लिए खोला हुआ था, उसके बाद अभी भी वो फंक्शन कर रहा है या वो बंद हो चुका है, क्या चीज़ है? कोविड आने वाली थर्ड कोविड के सेंटर जो थे हमारे पास, गवर्नमेंट ने एक नॉवल मेजर था ऐसे टाइम पे था, जहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका यही था कि जो होम आइसोलेशन हमने इस बार सेकेंड वेव में शुरू की थी, होम आइसोलेशन में क्या रहता है कि कहीं गांव में लोगों के पास स्पेस नहीं है, या अगर घर में कोई एक मरीज़ आ जाता है तो घर में ही एक कमरा है, तो बाकी सोशल डिस्टेंसेस किस तरह फॉलो करेंगे। उसके लिए हर पंचायत में एक फैसिलिटी दी गई थी, ये ट्रीटमेंट सेंटर नहीं थे, कोविड केयर सेंटर थे, कि उसको लॉन्च करने के लिए ताकि वो आइसोलेशन में रहे और उसका बेयर मिनिमम जो ऑक्सीमीटर और बाकी चीज़ें हो वहीं वो वहीं पर रहेंगे हम, क्योंकि ये सारे सेंटर क्वारंटाइन सेंटर कोविड केयर सेंटर आगे की फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज़ फिर से रीअकर करती है तो उसके लिए हमारे पास ये रहेंगे। सर, 2 दिन पहले एक डिपार्टमेंट में प्रोग्राम था डोडा के अंदर, मगर SOPs के दर्जा वहाँ पे उड़ाई गई, क्या उनको भी कोई डायरेक्शन देंगे आप? यहाँ तो हर डिपार्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट के फंक्शंस हो या प्राइवेट फंक्शंस हो, सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है। पिछले दिनों और रिट्रेट किया गया था,
कंसर्न्ड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइज करता है उसको पूरी कोविड जो मेजर्स हैं, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, वो चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट का मुलाजा, सबको लाजमी है उस चीज़ का करना। अगर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, अगर मेरे पास कहीं जगह से आती हैं, तो उसके इमीडिएटली हम इंक्वायरी करवाते हैं ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए और इस तरह की कोई चीज़ भी अक्कर ना हो। सर, कोविड से बाहर एक क्वेश्चन है मेरा कि बटोर किश्तवाड़ नेशनल हाईवे स्टे जो बुलडोरा से आगे का है, वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन वो सारा मटेरियल नीचे चुनाव में डाल रहे हैं, उसकी वजह से घाट के बिल्कुल अपोजिट में आधा चुनाव उस मटेरियल से भर गया है। एक तो वो फॉलो नहीं कर रहे, उनके पास जंपिंग यार्ड नहीं है, तो उसके बावजूद वहाँ पे एक तो ग्रीन जोन है। कंपनीज को हमने डंपिंग यार्ड्स की परमिशन दी है, जहाँ जहाँ पे डंपिंग यार्ड्स की परमिशन हो वहीं पे फेंक सकते हैं, अगर उसके अलावा किसी और जगह फेंकेंगे वो। उसके अलावा सर वो डंपिंग यार्ड जो वो सीधा चुनाव में जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आधा चुनाव उन्होंने पिछले दो महीने से कंटिन्यू वहाँ पे मलबा फेंका जा रहा है, वहाँ पे आधे चुनाव में वो मलबा फेंक गया है, ऐसे लग रहा है कि वो बांध बन रहा है वहाँ पे और कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। उस चीज़ के लिए अगर ऐसी चीज़ें हैं कहीं पे स्पेसिफिकली।